Aplauso. Aplauso. आज हमको 209 दिन हो गए। तो आपने देखा पिछले दिनों हमारे बहुत ही एक सीनियर लीडर बीजेपी के देवेंद्र राणा जी ने कहा कि हर हालात में अपनी आपकी ट्रांसफर पर्ची हो पाएगी, पर हम उम्मीद करते हैं कि वो, क्योंकि वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे जो बात कहते हैं वो पूरी करके दिखाते हैं, वो अपने वचन के पक्के हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 31 दिसंबर तक हमारे लिए खुशखबरी आएगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो भाई बहन हैं वो इस ठंड के मौसम में, इस कड़ती ठंड में जहाँ पे ज़्यादा दिनों तक बैठे। और हम उम्मीद करते हैं कि 31 दिसंबर तक कोई ना कोई खुशखबरी जो है वो हमारे लिए यहाँ पे आएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मेरा नाम अंजना है। तो सर आज हमें 209 दिन हो गए यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, और हमारी जो डिमांड है वो पहले दिन से लेके अभी तक ये की है, सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। हमारी इस डिमांड को जस्टिफाई किया गया, लेकिन बाद में कमेटीज़ बनाकर कमेटीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हेड जो उनके थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि आप 31 दिसंबर से पहले पहले हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करें। देखिए एलजी साहब ने हमारे लिए एक बयान दिया था जो बहुत ही एक गैर जिम्मेदार बयान था। इतनी बड़ी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आप बैठे हो, हमारी डिमांड को 6 महीने पहले मानते हो, कमेटीज़ बनाते हो, और एकदम से कुछ भी नहीं आपने हमारे लिए किया इन 7 महीनों में, तो एकदम से आप इतना बड़ा बयान दे देते हो कि घर बैठ के सैलरी नहीं मिलेगी तो वापस जाएं। तो आपने हमारे लिए कौन सा इंतज़ाम वहाँ करके रखा है, हम जिस आपसे पूछना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने बयान दिया, आपने एक बार भी सोचा कि ये लोग जो 7 महीने से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जिनका दिल कमज़ोर होगा, उनको हार्ट अटैक भी आ सकता था। हमारे कितने कर्मचारी थे जो उस बयान के बाद डिप्रेशन में चले गए। आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट एकदम से दे देते हो। आपने कमेटी जो बनाई उनके लिए आपने कौन सी स्टेटमेंट दी? पहले हमें वो स्टेटमेंट सुनते हम आपकी कि जो आपने कमेटीज़ को दी हैं, तो फिर आप हमें स्टेटमेंट देते। और आप कहते हैं कोई हमने इनको ब्रीदिंग टाइम दिया था। हमने आपसे ना कोई ब्रीदिंग टाइम मांगा ना आपने हमें दिया, लेकिन एक बात हम ज़रूर कह देते हैं कि ब्रीदिंग टाइम हम अब आप लोगों को हम देते हैं, और वो है 31 दिसंबर से पहले पहले। हमें नहीं चाहिए आपकी सैलरी अपने पास रखो, हम आप अपनी हक की सैलरी लेंगे, लेकिन ड्यूटी दे के लेंगे। आप ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो, हम ड्यूटी देंगे और अपनी हक की सैलरी लेंगे। और 31 दिसंबर तक की हमने डेडलाइन आपको दे दी है। हम उस दिन भी भाजपा के ऑफिस में गए थे, बाहर हमने प्रोटेस्ट किया था, और देवेंद्र राणा साहब और यहाँ की जो पहले हमारे बीच में आते रहे हैं देवेंद्र राणा साहब, कंवल गुप्ता सर थे वहाँ, डीके मनियाल सर थे, तो हम उनसे यही लीडरान से यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे समाज का हिस्सा हो, हमारे डोगरे समाज का हिस्सा हो। अगर आप लोग इस विषय पे चिंतन मंथन नहीं करोगे तो कोई जो बाहर से आए हैं उनको इन चीज़ों से हमसे कोई लेना देना नहीं है। आपको सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि मसला यहाँ सिर्फ हमारी ट्रांसफर पॉलिसी का नहीं है, हमारी इज्जत का भी है और आप लोगों की इज्जत का भी है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करें। अगर आपकी कोई सुन नहीं रहा, आप दिल्ली जाएं, दिल्ली में अपनी डेलीगेशन भेजें, वहां जाके बातचीत करें। हमारी डेलीगेशन भी आपके लिए आपके पास आने के लिए तैयार है, और जल्दी से जल्दी ट्रांसफर पॉलिसी 31 दिसंबर के पहले पहले लागू करें। आप
अगर 31 दिसंबर के पहले ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होती है, फिर बाद में आप ये मत कहिएगा कि ये इम्प्लॉय से इन्होंने इस तरह से नहीं करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह के आप आर्टिकल 21 ए का इतने महीनों से उल्लंघन कर रहे हो, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, कानूनों का उल्लंघन कर रहे हो, तो फिर हमें भी 7 महीने के बाद जब पानी सिर से ऊपर चला जाएगा तो हमें भी इन चीज़ों का उल्लंघन करने में कोई शर्म नहीं आती। धन्यवाद।